नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैकेनिकल फिटर के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आप रेलवे ALP CBT 2 टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ अनदर नेम ऑफ आइडलर गियर। इनमें से कौन से गियर को आइडलर गियर बोला जाता है? ऑप्शन ए ड्रिवन गियर, ऑप्शन बी कंपाउंड गियर, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट गियर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरमीडिएट गियर। ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर, इन दोनों गियर के बीच में आइडलर गियर लगता है और ये मोशन ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टूल यूज टू मेक मार्क। किसी मेटल के ऊपर मार्क यानी एक निशान बनाने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी चीजल, ऑप्शन सी फाइल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पंच। क्वेश्चन नंबर 3, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नियरेस्ट टू डैश। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनमें से किस प्रेशर के क्लोज है? ऑप्शन ए 10 kg/m², ऑप्शन बी 1 kg/cm², ऑप्शन सी 1 kg/m². एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 kg/cm². क्वेश्चन नंबर 4, विच ज्वाइंट टू साइड्स ऑफ थ्रेड इज नोन एज डैश। थ्रेड की दो साइड्स को जोड़ने वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पिच, ऑप्शन बी क्रेस्ट, ऑप्शन सी रूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूट। स्क्रू थ्रेड के डेप्थ वाले पोर्शन को रूट कहते हैं, टॉप वाले पोर्शन को क्रेस्ट बोलते हैं और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की लेंथ को पिच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेथ मशीन बेड इज मेड विद डैश। लेथ मशीन का बेड यानी बेस किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी कास्ट आयरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कास्ट आयरन। मोस्टली हैवी मशीन्स का बेड यानी बेस कास्ट आयरन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉयलर माउंटिंग। इनमें से कौन सा पार्ट बॉयलर माउंटिंग में नहीं आता? ऑप्शन ए फीड चेक वाल्व, ऑप्शन बी एयर प्री हीटर, ऑप्शन सी सेफ्टी वॉल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर बॉयलर की एक्सेसरीज का हिस्सा है और फीड चेक वाल और सेफ्टी वाल ये दोनों माउंटिंग में आते हैं। माउंटिंग बॉयलर के सेफ ऑपरेशन में यूज़ की जाती है और एक्सेसरीज बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल की रीडिंग एक्यूरेसी कितनी है? ऑप्शन ए 0.5 mm, ऑप्शन बी 0.01 mm, ऑप्शन सी 1 mm। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 8, विच गेज यूज्ड फॉर चेकिंग क्लियरेंस। इनमें से कौन सी गेज क्लियरेंस को चेक करने के लिए यूज की जाती है? ऑप्शन ए थ्रेड गेज, ऑप्शन बी ड्रिल गेज, ऑप्शन सी फिलर गेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिलर गेज। फिलर गेज को क्लियरेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।